आज हम बनाएंगे मसाला पूरी और साथ में चने की दाल, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आपने नहीं खाया है तो इस बार बना के खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मसाला पूरी जो है ना, मेरे स्टाइल से बना के देखिए, बहुत टेस्टी। और ऑयल भी बिल्कुल नहीं दिखेगा ऊपर से, जो एक्स्ट्रा लग जाता है ना वो भी नहीं। और टेस्ट बहुत अच्छा, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत टेस्टी। तो चलिए बिना किसी देर के हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बाउल जो है आटा ले लिया है, और आधा आधा बाउल करके आधी सूजी और आधा बेसन ले लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे मिर्ची और अदरक को, अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था तो वो हम इसमें डाल देंगे। इन सबसे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा धनिया पाउडर डाल देंगे, और हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और नमक डाल देंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, और कसूरी मेथी डाल देंगे, जिससे फ्लेवर जो है पूरी का और एनहांस हो जाएगा। और हम इसमें अब थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के और थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है। अब हम थोड़ा तेल डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ा क्रम्बल कर देंगे, सबको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। अच्छे से ये क्रम्बल हो जाना चाहिए। फिर पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म कर लेना है, तो थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए उससे, या गर्म पानी होना चाहिए उससे हम आटा गूंथेंगे, कड़क आटा गूंथेंगे एकदम। और ये देखिए आटा कुछ हमारा इस टाइप से गूंथ लेंगे हम, और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है, और जितना अच्छे से गूंथेंगे उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा ऑयल लगा के इसको फिर से गूंथ के, और इसको हम कपड़े से ढक देंगे। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके हम कपड़े से इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तब तक हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो चना दाल जो है वो मैंने 3 घंटे पहले ही भिगो के रखी थी। आप चाहें तो 2 घंटे 1.5 घंटे तक भी गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं, उससे भी गल जाएगी। फिर हम कुकर ले लेंगे, उस पर पानी डाल देंगे और दाल डाल देंगे। पहले पानी डाल देना है, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, बट आप थोड़ा ही पानी डालना। और उसके बाद दाल डाल देंगे हम, चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी उसको वॉश करके वो दाल हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। ये जब बॉईल होने लगेगी तब हम कुकर का जो ढक्कन है वो तब लगा देंगे हम, और इसमें हम इसको 3-4 सीटी आराम से आने दीजिए, और स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा पका के फिर बंद कर दीजिए। उसके बाद पूरी को 10 मिनट जब हो जाए फिर हम इसको अच्छे से थोड़ा और गूंथ लेंगे, थोड़ा तेल लगा के, और फिर इसकी छोटी छोटी लोई जो है वो हम बना के रख देंगे, और एक साथ हम सबको इस तरीके से छोटा छोटा बना के रख देंगे, एकदम छोटा छोटा। जितनी छोटी पूरी रहती है ना तो उतना ही बनने में भी ईजी रहता है और फूलती भी ज़्यादा है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी बना ली है। और अभी हम चकला ले लेंगे, चकले पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे, थोड़ा ऑयल अप्लाई करने के बाद इस पे हम एक लोई रखेंगे और उसको बेलेंगे हम अच्छे से। बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, और इसको बेलेंगे हम इस तरीके से, और इस तरीके से हमको इक्वली पूरी को अच्छे से पूरे साइड से बेल लेना है। एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से हर तरफ से पूरी को बेल लेना है। ये देखिए सारी पूड़ियाँ आप एक साथ बेल लीजिए, ताकि फिर तलने में जो है इजी होगा। तो चलिए हम तेल जो है गरम कर लेते हैं एकदम। तो मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में तेल जो है वो मैंने गरम कर लिया है, और अब हम पूड़ी डालेंगे और अच्छे से पूड़ी पके। यहाँ पे तेल थोड़ा कम है मेरे में, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा डाल के और फिर पूड़ी फुलाइए तो बहुत अच्छी फूलेगी। तो ये देखिए इस तरीके से पूड़ी जो है
बहुत अच्छे से बन जाती है मसाला पूरी, और इसका टेस्ट में तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मतलब आप सिर्फ पूरी खाएंगे ना तो भी आपको बहुत टेस्टी लगेगी, और आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, मेरी गारंटी है बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए इस तरीके से हमारी जो मसाला पूरी है वो तैयार हो चुकी है, और साथ में हम अब दाल चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये देखिए दाल जो है वो गल चुकी है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा आप पानी कम रखिएगा, और इस तरीके से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और फाइनली बाद में इसका तड़का देंगे हम। तो अभी मैंने टमाटर इसमें कद्दूकस करके डाल दिया है, आपको चाहिए तो ज़रूरी नहीं है टमाटर कद्दूकस करके डालना, नॉर्मल दाल भी ऐसे अच्छी लगती है। फिर इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे, थोड़ी थिक दाल जो रहती है वो पूड़ी के साथ खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उस टाइप की दाल हमको बनानी है। और इसमें थोड़ी सी मैं मिर्ची डाल देती हूँ क्योंकि अब मुझे तड़का देना है, तो मिर्ची को मिलाना नहीं है, सिर्फ ऊपर से डालना है क्योंकि तड़का हम इसके ऊपर डालने वाले हैं। कभी कभी मिर्ची जो है तड़का देते टाइम जल जाती है, तो इसलिए आप दाल के ऊपर मिर्ची डाल दीजिए और तड़का जो है वो उसके ऊपर डाल देना। फिर तो यहाँ पे हम तेल ले लेंगे तड़के के लिए, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, थोड़ा जीरा डाल दिया है, और अभी हम तड़का लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से तड़का लग गया है, और अच्छे से इसको मिक्स करके 2 मिनट सिम पे अच्छे से बॉईल करके, और ये कोरिएंडर लीव्स मतलब धनिया पत्ता डाल के हमारी जो दाल है वो भी तैयार है, और पूरी भी। और पूरी देखिए ऊपर से एकदम सॉफ्ट, एकदम क्रिस्पी, बहुत टेस्टी।